અલગ છે. હેલો ડોલી, હાઉ આર યુ ટુડે? बिग बॉस ने इमाम को पड़ोसी घर से निकालकर इस मुख्य घर में एक ऐसे समय पर प्रवेश कराया है जब यहाँ पहले से ही किसी घटना पर प्रतिक्रिया देना कार्य के नियम के खिलाफ है. इमाम का इस घर में प्रवेश इस घर को पड़ोसी घर से जोड़ने का पहला कदम भी है. कैसी हैं आप मेरी जान? क्या मैं आपको गले लग सकती हूँ? आइए खड़े हो जाइए, मुझे गले लगी मेरी जान. आइए. बड़ा बड़ा आनंद आया आपसे मिलके. कौन हूँ मैं? इंसान? Obviously इंसान. नहीं इंसान. शैतान. सना. जी बिग बॉस. कार्य अभी भी चल रहा है, भूल गई थी आप? कौन सा कार्य बताओ, कौन सा कार्य? क्या कार्य है ये? किस किस्म का कार्य है मेरी जान? हेलो हेलो. ओ मैडम. Hello, Mink darling. Hello, Nikita. It's so nice to see you all. Juta sanu puri to hai. Upar ke laga hua hai. Spider Rajiv ka hai. Kya hai? Suta yu mari jaan. E dal na zayauni. Hello. Oh my God, what a lovely place. I love it, Big Boss. Maza aa gaya. Bada aanand aa gaya. बिग बॉस, मुझे इस वक्त एक परफॉर्मेंस देनी है नटराज के नाम में, दे सकता हूँ? आप इधर भी दे सकते हैं. अच्छा, लवली. विशाल, आप देख रही हैं? नटराज के दरबार में आने के लिए आप सभी का नमस्ते, सलाम, आदाब, वणक्कम, सत श्री अकाल, बियामेन्यू, बोंजोर्नो, निहाओ मा, बुआ थार्दे और सलाम. नृत्य, नृत्य यानी कि डांस एक ऐसी है अद्भुत कला, एक ऐसा है मनोरंजन का माध्यम जिससे आपका तन और मन सदा चुस्त और तंदुरुस्त रहता है, जहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं, बिना एक अल्फाज की पूरी कथाएँ रची गई. बच्चा पैदा होते ही अपने मासूम से हाथ और पैर हिला हिला कर मिलाता है प्रकृति और जीवन के सुरों से अपनी ताल. यही बिग बॉस है, नृत्य का कमाल. इसीलिए सभी कलाओं में नृत्य, श्रृंगार, नवरसा, बाल गांधर्व और हमारी 5000 साल की सांस्कृतिक परंपरा है बेमिसाल. Bless you guys. This is like a salutation. Figure it out. अच्छा उर्वशी, मेरे को एक बात आपसे पूछनी थी. बोलिए. वो ये कि मैंने उनसे माफी तो मांग ली, लेकिन वो पता नहीं क्या वजह से अभी भी मतलब उठाए हुए हैं. That's okay. You've done your bit. I've done my bit. And if you can't handle it, there's nothing I can do. Yeah, of course. Terrible. बाकी सब लोग बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं. जी. मेरा एक रीजन था. जी. और आपको कुछ मतलब ये सारी बातें बता. नॉट दैट मैं चाहूंगी कि आप अपने आप को बदलें या आप किसी की साइड लें. मैं कभी बदल नहीं सकता. सुनो, कोई बदल नहीं सकता. सही बात है. जो आपका दिल कहता है ये मैंने किसी के पक्ष लेकर नहीं बोला. मैंने सुबह में भी उनको वही बोला था, उनको भाई साहब को, भाई
देखिए हर इंसान से गलती होती है, आप समझ लो. नहीं समझ सकते हो तो उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं योगदान कर सकता. तो हो गई बात तमाम. अपने कॉन्शियंस को क्लियर. करेक्ट. और अपने अतीत को जिंदा रखो बस. ये जो गेम ब्रिजेश और आशका खेलते आए ना अब तक इस घर में, सुनो मैं उन्हीं का गेम उनको दिखा रहा हूँ कि उन लोगों ने कैसे खेला खुफिया टास्क, ये टास्क वो टास्क कैसे खेला. मैं अपने अपने तरीके से वही दिखा रहा हूँ उनको. और अब उनको समझ में आ रहा है कि दूसरों को क्या उन्होंने क्या हालत बनाई दूसरे लोग की, है कि नहीं, सही कि गलत. हंसी आ रही है डेलनास को लेकिन दोस्ती यारी में बेचारी नहीं सहस बर्दाश्त कर पा रही कि हालांकि कुछ भी है आशका हमारी दोस्त है, कोई किसी का दोस्त नहीं मेरी जान. ये घर ऐसी जगह है जो दोस्ती यारी दूर की बात. गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत. फिर वो लोग भी अभी वही सोच रहे होंगे. नहीं नहीं सुनो, नहीं नहीं ये विरोध कर सकते हैं अगर वो उनको बोलेंगे. क्या नहीं करना चाहिए था सुबह का कार्यक्रम? मैं बेवकूफ हूँ क्या? हेलो, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, एवरी मोमेंट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी ग्रैब इट. मूव. नहीं नहीं मैं उसके विरोध कैसे कर रहे हो फिर? क्या मतलब तुम्हारा खुफिया टास्क क्या है? तुम वहां जाके बोल रहे हो तुम विरोध. मेरा कोई खुफिया टास्क है ही नहीं, मैं तो अपने तरीके से खुद से बना रहा हूँ खुफिया टास्क. बिग बॉस ने थोड़ी मेरे को बोला. हाँ तो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी देखो मौका इधर मिलता है कि उधर मिलता है. मैं ये सामने से बोल रहा हूँ आप लोग को. हेलो पब्लिक प्लेयर समझ जाओ, मैं सामने से बोल रहा हूँ कि अगर मुझे वहां मौका मिला मैंने वहां हाथ मारा, इधर मौका मिलता मैं इधर हाथ मारता. सिंपल, आई एम प्लेइंग द गेम. साम दाम दंड भेद ढंटन. बिग बॉस आप सभी को एक कार्य सौंप रहे हैं जिसका नाम है हम तुम और गुब्बारा. इस कार्य के मुताबिक घर वालों को जोड़ियों में बांटा जाएगा. जोड़ियों को अपने नाच का हुनर दिखाना है लेकिन एक अलग अंदाज में. हर जोड़ी को एक ही गुब्बारा दिया जाएगा. इस गुब्बारे को दोनों जोड़ीदारों को अपने बीच में रख कर नाचना है. गुब्बारे का उड़ना, गिरना या फटना उस जोड़ी को खेल से बाहर कर सकता है. याद रहे कि गुब्बारे को अपने बीच में बनाए रखने के लिए जोड़ियां हाथों और बाजुओं के अलावा शरीर के और कोई भी अंग का उपयोग कर सकते हैं. याद रहे कि जोड़ियों को नाचने के साथ साथ गुब्बारे को अपने बीच बनाए रखना है. जोड़ियां इस प्रकार हैं: निकेतन उर्वशी, विशाल सना, सपना दिनेश, आशका संतोष, इमाम राजीव. जोड़ी का आवाज डेलनाज, व्रजेश और करिश्मा इस कार्य को जज करेंगे. भैया मुझे नाचना नहीं आता. गुब्बारे आप स्टोर रूम से ले लें. गुड लक बिग बॉस.